हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के मेरे टॉपिक अब चल रहा है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में हम लोग कल बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में, है ना। रीजनिंग में भी हमने टू टाइप्स के इसमें बताए थे कि इसमें जो रीजनिंग होती है, भाई रीजनिंग क्या होती है तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, रीजनिंग पे थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, चलिए रिवाइज। रीजनिंग, जब हम हमारे जितने हमारे लास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें से जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ठीक है, उन्हें कलेक्ट करके या उनकी हेल्प से जब हम हमारी किसी न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, उसी को हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, आप लोगों के माइंड में एक टर्म रीजनिंग इसलिए आया, रीजनिंग क्योंकि जब आप तो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं ना, तो जनरल पेपर में रीजनिंग आती है, ये कहा जाता है ना रीजनिंग आएगी रीजनिंग आएगी, तो रीजनिंग का मतलब, और ये कहा जाता है रीजनिंग कोई सिखाता नहीं है जनरली, वो खुद ही आपको सीखनी होती है अपने बेसिस पर। क्यों कहा जाता है, उसका मतलब है अगर आप फाइनल ईयर में आकर आप अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, और वहां पर आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, तो मतलब ये कहा जाता है आप फाइनल ईयर तक आप आ चुके हैं, आपने फाइनल ईयर तक काफी सारा कुछ सीखा है, या फिर लर्न किया है। अब आपने उसी को, जो आपने जो भी चीज लर्न की है, अपने उन्हीं एक्सपीरियंसेस को, उन्हीं लर्निंग को आपको याद रखते हुए जो आपको न्यू प्रॉब्लम दी गई है उसी को आपको सॉल्व करना है ना भाई। सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जनरली जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी किसी नियम पे वैसे नहीं होते हैं, वो हमेशा आप लोगों को जो अब तक पढ़ाया गया है ना उसी को आपको बेस बनाकर आगे करना होता है, यही होता है ना रीजनिंग में। चलें, तो रीजनिंग में होता क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रीजनिंग में हम हमारे एक्सपीरियंसेस, आप एक्सपीरियंस कहें अदरवाइज आप इसे लर्निंग कहें, चॉइस इज योर्स, हमारे लास्ट एक्सपीरियंसेस है लर्निंग के बेस पर, जब हम न्यू प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन देखते हैं उसी को हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रीजनिंग जनरली होती है तीन टाइप की है, लेकिन आप लोग सिर्फ टू टाइप से इसके स्टडी करते हैं, क्योंकि वही आप स्टडी कर रहे हैं वो अच्छा है। चले, टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के जनरली थ्री टाइप्स होते हैं, कल टू बताए थे ना, वो मेन है, थर्ड आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं बताया जाएगा, बहुत शॉर्ट है बताया जाएगा, क्योंकि जनरली मेन दो ही होते हैं उसके। ठीक है, द फर्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं और उन नॉर्मल फैक्ट से हम एक स्पेशल फैक्ट, स्पेशल फैक्ट को हम लर्न कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल फैक्ट को हम सीख जाएं, ठीक है, उसी को हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जिसमें मैंने कल एग्जाम्पल बताया था ए स्कूल वाला। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें भाई सारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं, निकिता भी उसी में पढ़ती है, इट मीन्स निकिता जो है वो साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है। ठीक, तो ये तो खैर मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही एग्जाम्पल, इंडक्टिव में आ जाते हैं हम। हाँ, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, स्पेशल फैक्ट्स को कलेक्ट करके जब हम हमारे लास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग को जब हम उसके आधार पर हम किसी एक नॉर्मल फैक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फैक्ट को जब हम गेन करते हैं उसी को हम इंडक्टिव रीजनिंग के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इसका हम अगर हम एग्जाम्पल देखें तो किसी वैज्ञानिक ने क्या किया था, कुछ इन्फेंट्स लिए थे, जैसे इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड, भाई इन्फेंट मतलब होता है नवजात, जो जस्ट अभी अभी जिसने जन्म लिया हो, तो इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट बेबी, इन्फेंट ऑफ चिंपैंजी, ठीक है, इन्फेंट ऑफ चिंपैंजी। जब वैज्ञानिकों ने ह्यूमन के बच्चे को और चिंपैंजी के बच्चे को एक साथ पाला, तो उन्होंने क्या चीज़ देखा कि ये दोनों ही बच्चे जो है, ये दोनों ही इन्फेंट जो है, वो साथ साथ ग्रो कर रहे थे, तो बहुत सिमिलर थे। मतलब सिमिलर से मतलब, भाई आप लोगों को पता है चिंपैंजी जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन से मिलते जुलते होते हैं, है ना, तो सिमिलर से मतलब है वो एक साथ तो मतलब ऐसे सीखे, आवाज़ निकालना सीखे, एक जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, खड़ा होना लगभग एक साथ सीख रहे हैं, और साथ मतलब जो मूवमेंट कर रहे हैं अप्रोक्स, उनका जो ग्रोथिंग पार है वो लगभग दोनों की एक जैसी है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, मतलब जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड हुआ, वैसे वैसे इन दोनों ही इन्फेंट्स में कुछ डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुए। कैसे, ये जो ह्यूमन का बच्चा था, ठीक है, ये जो इन्फेंट था वो बोलने लगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई टॉकिंग पावर तो होती है, जबकि स्टार्टिंग में इन दोनों ने ही आवाज़ निकालना तो साथ स्टार्ट किया था। जैसे बच्चे निकालते हैं ना बहुत अलग अलग साउंड निकालते हैं, तो साउंड तो इन लोगों ने एक साथ निकालना स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ते गए दोनों, वैसे वैसे जो मानव था, जो ह्यूमन है, उसके बच्चे ने तो बात करना सीख ली, लेकिन चिंपैंजी के बच्चे ने बात करना नहीं सीखी। तो इसी तरीके से और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, टाइम स्पेंड हुआ, वैसे वैसे इन दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा। तो ये जो डिफरेंसेस आया था, तो धीरे धीरे चिंपैंजी का जो इन्फेंट था वो उद्विकास है, मतलब इवोल्यूशन में थोड़ा सा पीछे होने लगा, वो बहुत सारी चीज़ें सीख नहीं पा रहा था एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का बेबी जल्दी हर चीज़ सीखता है कम्पेयर टू चिंपैंजी के इन्फेंट से, है ना। तो धीरे धीरे ये चिंपैंजी का जो इन्फेंट था वो पीछे होने लगा, और जो ह्यूमन बेबी था वो बहुत आगे निकलता है। तो इस आधार पर, इस बेसिस पर जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जो आपका ये इन्फेंट होते हैं ये, ठीक है, तो इसके लिए इनके पास, देखिए हमारे पास में स्पेशल फैक्ट थे, हमने दो अलग अलग स्पेशल टाइप के क्या लिए थे, इन्फेंट लिए थे, ठीक है। तो इन्हीं स्पेशल फैक्ट को जब हमने हमारे पिछले अपने वो देखे लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो वहाँ पर हमने क्या चीज़ निष्कर्ष निकाला, वहाँ हमारा निष्कर्ष यही था कि जो पावर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, जो पावर ऑफ स्पीच होती है, पावर ऑफ स्पीच से मतलब है जो बोलने की जो ताकत होती है, ठीक है, मतलब वाणी जिसको हम बोलते हैं जनरली, तो पावर ऑफ स्पीच जो है वो इवोल्यूशन के बेस पर सबसे बेस्ट इवोल्यूशन है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट रिवोल्यूशन माना गया है ये इन द पावर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो कहने की बात यह है, इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास कुछ स्पेशल फैक्ट्स थे, जब हमने उन स्पेशल फैक्ट्स के साथ अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस और जो हमारे लास्ट आपके एक लर्निंग थे उनको जब मिलाया, तो हमें एक नॉर्मल फैक्ट की तरफ पहुंचे थे। तो जब हम स्पेशल फैक्ट से नॉर्मल फैक्ट की तरफ जाते हैं, उसी को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अभी मैंने एक बात और बताई कि इसमें तीन टाइप होते हैं मेनली, तो ये दो ही हैं, थर्ड जो होता है वो होता है इवोल्यूशन, ठीक है। इवैल्यूएटिंग रीजनिंग, इसमें जब हम हमारी न्यू
जब हमारी न्यू कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम हमारे चारों ओर से देख कर जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से इस चीज़ से रिलेटेड है, तो जब इवैल्यूएट किया जाता है तो उसी को हम इवोल्यूशन रीजनिंग में रखते हैं। ठीक है, हम कोई भी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम इवैल्यूएट तो करेंगे ना, कितनी प्रॉब्लम है कितनी नहीं है ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ, तो उसी चीज़ को आप किस में रखते हैं, इवैल्यूएटिंग रीजनिंग में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आप लोग। हाँ क्यों नहीं बैठ सकते, आप बैठे ना। ये लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से ना बेटा, हिंदी बैठिए। हाँ भाई, अच्छा मैम एक सेकंड जरा वो पॉज कीजिए प्लीज। अच्छा पहले एक्चुअली अभी बस का सिलेबस नहीं आया है, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस ही है रह गया है। अब अरे कितना कट हुआ है मुझ तक अभी आया नहीं है, एज सून एज पॉसिबल जैसे आता है वैसे ही आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ भाई फाइनली आते, ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ अब हम बात करने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स के बारे में। मतलब ये है कि जब जो भी हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, अगर किसी भी एनिमल में जो बिहेवियर है वो अगर वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो भाई ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, वो ट्रांसफर होता है जीन्स के थ्रू, ये तो पता है। तो जो बिहेवियर वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है उसी को हम किस में रखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स में रखा जाता है हमेशा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग हम मैमल्स की भी बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हमेशा वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो इननेट प्रॉपर्टी हो हमारी, चाहे वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर। वो एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छा आप लोगों ने सेक्शन बी का कोई पार्ट लिया है, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने हनी बी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस तरह से था एक्सपेरिमेंट, आप लोग जनरली जानते होंगे हनी बी में कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इसमें क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर्स, ठीक है, यही तो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा था, भाई यहाँ पे हम क्वीन और ड्रोन की बात नहीं करेंगे, उन्होंने क्या देखा कि जो वर्कर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आवाज ना हो प्लस, वो हेक्सागोनल शेप में हमेशा एक हाइव बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये है, इट इज अ बी हाइव। भाई हाइव क्या होता है ये तो आप लोगों ने वैसे भी जाना होगा जब एपिकल्चर बताया था, ठीक है। तो बी हाइव में वर्कर्स जनरली क्या करते हैं कि अगर कोई भी प्यूपा, अदरवाइज कोई भी लार्वा इन हाइव में अगर मर जाता है, ठीक है, तो ये वर्कर्स में से कुछ वर्कर हमेशा इनकी कैप, भाई कैपिंग होती है ये तो प्रोसेस बताया था एपिकल्चर में, इनपे कैप रहती है हमेशा, तो इनके कैप हटाएंगे जो किस शेप में होते हैं, हमेशा हेक्सागोनल शेप में होंगे,
तो जैसे ही इनके कैप हटाते हैं और इनमें जो प्यूपा या फिर लार्वा जो मर जाते हैं इनके अंदर, उनको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको निकाल कर फेंक देते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने एक चीज देखा कि एक तो वर्कर ऐसे थे जो मरने पर, मतलब जो भी भाई हाइव में लार्वा और प्यूपा मर जाते थे, उनके कैप निकाल कर उन लोगों को फेंक देते थे। और कुछ वर्कर इस टाइप के थे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मरते हैं इसमें मर जाए कोई भी फर्क नहीं है, इनका जो भी मरता है कोई बात नहीं, हनी में मिक्सअप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस चीज के बेस पर साइंटिस्ट ने इन्हीं वर्कर्स को, भाई स्ट्रेन्स तो और भी होते हैं, तो इन्हीं वर्कर्स को दो स्ट्रेन में डिवाइड किया था। फर्स्ट स्ट्रेन जो था वो था आपका हाइजेनिक, हाइजेनिक स्ट्रेन, मतलब जो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद करते थे। इट मीन्स अगर कोई मर जाता था तो उसको इसकी यहाँ से कैप हटा कर क्या करते थे, उनको यहाँ से फेंक देते थे। तो इस टाइप का जो स्ट्रेन था उसको उन्होंने क्या कहा था, इट इज़ अ हाइजेनिक स्ट्रेन। एंड सेकेंड इज नॉन हाइजेनिक स्ट्रेन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्ट्रेन मिले थे अब साइंटिस्ट को, एक तो फर्स्ट इज हाइजेनिक एंड सेकंड इज नॉन हाइजेनिक स्ट्रेन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा हाइजेनिक स्ट्रेन और नॉन हाइजेनिक स्ट्रेन क्या होता है, भाई मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लियर है ना आप लोगों को। चलें, अब साइंटिस्ट ने किया क्या, जब ये जो दोनों स्ट्रेन थे हाइजेनिक स्ट्रेन एंड सेकेंड स्ट्रेन, ठीक है, जो नॉन हाइजेनिक थे, इनमें जब क्रॉस कराया हाइजेनिक स्ट्रेन एंड सेकेंड इज नॉन हाइजेनिक स्ट्रेन में जब क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने पर इन्हें जो इनकी फर्स्ट जनरेशन मिलती है F1 जनरेशन, वो कैसी होती है, दिस इज अ नॉन हाइजेनिक, मतलब वो ज्यादा सफाई पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने क्या ध्यान दिया, उसके बाद जब इस F1 जनरेशन को ही, जब इन F1 जनरेशन को ही उन्होंने बैक क्रॉस कराया था, भाई बैक क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो बैक क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा, इन दोनों स्ट्रेन्स में से किसी एक के साथ कराया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बैक क्रॉस जो कराया गया था वो कराया गया था आपके हाइजेनिक स्ट्रेन के साथ। ठीक, तो जब इन्होंने बैक क्रॉस कराया विद हाइजेनिक स्ट्रेन, तब वहां पर साइंटिस्ट को क्या चीज मिले थे, कुछ अलग अलग टाइप के, भाई ये चीज तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो जब बैक क्रॉस करवाया था तो उन्हें कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स मिले थे, मतलब जो फर्स्ट टाइप के जो आपके स्ट्रेन थे वो क्या करते थे, वो हमेशा जैसे भी ये, जो फर्स्ट टाइप के स्ट्रेन जो थे वो इनमें से कैप हटा देते थे हमेशा, ये जो भाई हाइव रहता था इनमें जो कैप प्रेजेंट रहती है, ठीक है, उन कैप को हटा देते थे, लेकिन इनमें से लार्वा या प्यूपा जो भी इसमें मर जाते थे उन्हें कभी नहीं हटाते थे, सिर्फ और सिर्फ कैपिंग हटाने का काम करते थे। ठीक है, जो उन्हें सेकेंड टाइप के मिले थे स्ट्रेन, क्योंकि भाई देखिए बैक क्रॉस इन्होंने जब कराया है तो जो इन्हें F2 जनरेशन मिली है उसमें बताया जा रहा है ये टाइप। ठीक है, तो मैम इसे प्लीज बताइए क्या है। अच्छा ठीक है, गुड। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप के थे वो क्या करते थे, वो इनकी कैपिंग नहीं हटाते थे कभी भी। ठीक है, मतलब इस पे जो कैप रहती है उन्हें कभी नहीं हटाते थे, वो क्या करते थे, कोई अगर भाई इतने आलसी थे कि कोई अगर कैपिंग हटा देना तो इनमें से लार्वा और प्यूपा फेंक देंगे, लेकिन किसी ने अगर कैपिंग नहीं हटाई है तो वो कभी भी इसमें से लार्वा और प्यूपा फेंकेंगे ही नहीं। ठीक है, और जो थर्ड टाइप का ने स्ट्रेन मिला था, ठीक है, जो थर्ड टाइप का स्ट्रेन था
वो था आपका कुछ इस टाइप के कि उन वो ना तो इनमें से कैपिंग हटाते थे और ना ही इसमें से आपके लार्वा या प्यूपा फेंकते थे। तो ये अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट को क्या मिले थे, कुछ वर्कर्स मिले थे। भाई वर्कर्स ही तो होते हैं जो इस टाइप के काम करते हैं सारे, जो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स बिहेवियर का? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर जेनेटिक्स के बारे में, क्लियर हुआ या नहीं? रिपीट करना है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे। यस ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा पहले मुझे ये बताएं, आपने सेक्शन सी जो आपने लिया था उसमें कोई परेशानी, मीन मीडियन मोड में से कुछ मतलब आ गए थे ना सब समझ में? अच्छा चलिए फाइनल ईयर। अब आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी ये टॉपिक होता है फिनिश, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगा वो है आपका फेरोमोन, लेकिन आज आपको ज़्यादा नहीं बताया जाएगा क्योंकि मैंने, मेरे पास अभी सिलेबस नहीं आया, मुझे पता भी नहीं है कि ये टॉपिक है या नहीं। फेरोमोन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि फेरोमोन्स क्या होता है, तो फेरोमोन्स किसी भी एनिमल के थ्रू सीक्रेट करने वाले, ठीक है, किसी भी एनिमल के थ्रू सीक्रेट करने वाले वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी अदर सेक्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भाई फेरोमोन्स का जो बेसिकली रीजन जो है वो किस लिए होता था, वो होता था फॉर अट्रैक्शन। फॉर अट्रैक्शन, ऐसा पहले साइंटिस्ट सोचते थे, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, साइंटिस्ट सोचते थे कि जो फेरोमोन्स जो है वो इस टाइप का सब्सटेंस होता है कि जिसकी वजह से कोई भी एनिमल वो अदर सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, तब वो इस टाइप के सब्सटेंस जिन्हें हम फेरोमोन्स बोलते हैं उनको अपनी बॉडी से सीक्रेट करता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे भाई उन लोगों में और भी थोड़ा काम किया है फेरोमोन्स के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ही नहीं, और भी चीज़ों के लिए फेरोमोन्स यूज़ किए जाते हैं। किस किस चीज़ के लिए भाई? तो पहले तो ये होना चाहिए क्लियर, फेरोमोन्स समझ में आए, फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी एनिमल के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी से सीक्रेट होने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी से तो होते हैं फेरोमोन सीक्रेट, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं भाई, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो हमारा पसीना निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरीके से फेरोमोन का ही काम करता है। कोई भी एक डॉग ने कुत्ता जो है वो हर किसी को ऐसे पहचान लेता है, कैसे, किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने का जो रीज़न होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हर किसी पर्सन की जो स्मेल होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी नहीं, मैमल्स की बात ना करते हुए यहाँ हमें अदर एनिमल्स की बात करनी है। तो यहाँ पर जो फेरोमोन्स होता है क्लास, वो किसी भी एनिमल के थ्रू सीक्रेट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले समझा जाता था सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन नहीं, ये और भी चीजों के लिए सीक्रेट किए जाते थे। कैसे? अगर किसी एनिमल को फूड के सर्च में भेजा गया है, ठीक है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कोई भी, ये चींटियों का झुंड जो होता है वो जब खाने की तलाश में जाती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं, वो सभी डायरेक्शन में जाती हैं, है ना। सभी डायरेक्शन में जाने की वजह से जब उन्हें कभी कोई खाना मिल जाता है, तब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बहुत सारी चींटियाँ हैं, ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में जा रही हैं लाइक दिस। यहाँ पर रखी है हुई है आपकी काफ़ी सारी चीनी, शुगर, शुगर मीन इट इज़ अ फूड, फूड फॉर आंट्स, ठीक है, यहाँ पर चीनी रखी हुई है। तो ये जो चींटियाँ यहाँ से जाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम जनरली बोलते हैं खोजी चींटी, मतलब जो फूड के सर्च में निकलती हैं, ठीक है, वो हमेशा अपने रास्ते में एक सब्सटेंस को सीक्रेट करते हुए ही जाती हैं लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही वो इस तरह से जाएंगी, भाई ये भी जाएगी तो इसी तरह से जाएगी,
अपने हर रास्ते पर क्या करती हुई जाएंगी, फेरोमोन्स को सीक्रेट करती हुई जाएंगी ये, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इसे खाना पहले मिल गया, ये जो फर्स्ट नंबर की आंट थी इसे खाना पहले मिल गया, तो ही क्या करेगी ये, हमेशा अपने जो अदर आंट्स हैं उन्हें इंडिकेशन देगी, किसके थ्रू देगी, वो देती है अपने फेरोमोन्स के थ्रू, ठीक है। फेरोमोन्स जो होते हैं वो एक तो चींटियों में उनके जो एंटीना प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंटीना के थ्रू वो क्या करेगी, अपने अदर जो उनके रहते हैं उनके साथी, उनको इंडिकेशन पहुंचाएगी कि यस मुझे मिल चुका है खाना। तो बाकी की चींटियां जो हैं, जो इस तरह से खोज के लिए निकली हुई थी, सर्चिंग के लिए निकली हुई थी, क्या करेंगी, वो इसी पाथ पे जाएंगी जिस पाथ से ये वाली चींटी आई थी, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ऐसा होगा कैसे कि भाई कोई भी एक चींटी जिसने काम पहले खोज लिया था, लेकिन अब दूसरी चींटी जो है उससे भाई किस तरह पता चलेगा कि ये इसी रास्ते से यहाँ गई थी, उसका सीक्रेट, उसका भाई यही रीजन था कि यहाँ से चींटी जाते हुए फेरोमोन सीक्रेट करती हुई ही गई थी, है ना, जिसकी वजह से जो और चींटियां जो उसके पीछे पे जाएंगी वो इसी फेरोमोन को फॉलो अप करेंगी, सिर्फ इसी फेरोमोन को, ठीक है। जैसे इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जनरली चींटियां जो होती हैं वो हमेशा एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ही चलती हैं, कभी भी झुंड नहीं लगाती हैं, रीजन ही ये होता है क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को फॉलो अप करती हैं, ठीक है। और फॉलो अप करते टाइम हमेशा फेरोमोन का स्त्रवण करती, मतलब फेरोमोन को सीक्रेट करती है वो हमेशा चलते हुए, जिससे जो उनको फॉलो करने वाली जो और चींटियां होती हैं वो उनको इजीली सब पकड़ सके, इसीलिए क्लियर है यहाँ पर ये फेरोमोन्स का, ये समझ में आया भाई, क्लियर है, फाइनल ईयर बताएं आप, अच्छा फाइनल ईयर, जरा रिजाइन कीजिए प्लीज़।